उधर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता नई खबरें अभी तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जो आज बदलाव हुआ है, जिस तरीके से चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो सब आम आदमी पार्टी को कॉपी किया गया है। वहीं पूर्व विधायक समेत कई नेता लगातार आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खबरें अभी तक से कई मुद्दों पर सुशील गुप्ता ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। पिछले दो दिनों की अगर बात करें, दो पूर्व विधायक आप में शामिल हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ आपके हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद है। गुप्ता साहब, दो दिनों में दो पूर्व विधायक आप लोगों में शामिल हो गए, किस आधार पर ये नेता शामिल हो रहे हैं? कोई टिकट का कमिटमेंट किया जा रहा है? आम आदमी पार्टी कोई भी ज्वाइनिंग किसी कमिटमेंट के आधार पर नहीं करा रही, ना संगठन में पद के आधार पर, ना टिकट के आधार पर। आम आदमी पार्टी के अंदर टिकट का फैसला जनता करती है, पार्टी सर्वे कराती है और सर्वे के आधार पर टिकट दी जाती है। जो ज्वाइनिंग का आधार है वो भी सर्वे है। अगर जनता कहती है ये व्यक्ति ठीक है, इसके अंदर कोई अपराधी छवि नहीं है, कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा, तो ही उसका ज्वाइनिंग कराई जाती है, अन्यथा नहीं होती। पूर्व विधायकों की ज्वाइनिंग तो चल रही है, आप लोग बार बार कई बार कहते भी है कि कई विधायक भी संपर्क में, कई बड़े नेता भी संपर्क में है, वो खुलासे कब करेंगे? उन बड़े नेताओं को कब शामिल करवाया जाएगा? कौन कौन संपर्क में, हालांकि नाम तो आप नहीं बताएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी अब राजा के बेटे को तो राजा बनाती नहीं है, मंत्री के बेटे को मंत्री नहीं बनाती। आम आदमी पार्टी ने लोकतंत्र की ताकत को पहचाना है, बाबा साहब के संविधान की ताकत को पहचाना है अरविंद केजरीवाल जी ने। आम जनता में से लोग चेहरा चुनते हैं और उन्हीं को बनाया जाता है, तो इसलिए बड़े छोटे का कोई क्वेश्चन नहीं है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है, एक अध्यक्ष, चार कार्यकारी अध्यक्ष। सबसे पहले कांग्रेस संगठन में बदलाव को आप कैसे देखते हैं? मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की नकल मारने की कोशिश की। हमने चार जोनों के अंदर चार अध्यक्ष बनाए थे, आज उन्होंने भी उसी तर्ज पर जाके कुछ ऐसा फैसला लिया। लेकिन कांग्रेस ने तो कहने के जाति के समीकरण भी साधे हैं, अक्षेत्र के समीकरण भी साधे हैं, एक गुर्जर वर्ग से है, जाट से है, अग्रवाल समाज से है, ब्राह्मण है, तो पूरे वर्ग यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। कांग्रेस जाति और धर्म की राजनीति करती है, हम अच्छे व्यक्ति की राजनीति करते हैं, हम काम की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं, जाति और धर्म की राजनीति। फैसले को कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि 2024 के लिए हम तैयार हो चुके हैं, मुकाबला हमारा सरकार से है, आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है लाइन में। कांग्रेस आलाकमान ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि ये लोग सब बीजेपी की टीम है, तो कांग्रेस आलाकमान को पहले ये बताना पड़ेगा कि बीजेपी से वापस कब आए और कब ये नेतृत्व सौंपने की कार्रवाई रही। तो ये फैसला उनका अपना घर का फैसला है, वो जनता को जब बताएंगे जनता उसके बाद उसको महसूस करेगी। सवाल कर लेता हूँ, आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन कब तक खड़ा हो जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष कब मिल जाएगा हरियाणा को? ठीक है, हमारे यहाँ हर आदमी अध्यक्ष है, हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता इस पार्टी के रीढ़ की हड्डी है। पूरे 7200 गाँव के अंदर, सभी वार्डों के अंदर हमारी टीम बन रही है, पूरा जोर शोर से संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा है। हमने ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, जिला लेवल पे, जोन लेवल पे हमने पहले टीम बनाई हुई है। धन्यवाद दिए थे सुशील गुप्ता साहब, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। और गुप्ता साहब का यही कहना है कि कांग्रेस की तरफ से भले ही जो संगठन है वो खड़ा कर दिया गया हो, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को कॉपी करने का वहाँ पर काम किया गया है। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दिल्ली।